खबर बालाघाट से है, जहां बालाघाट के सराफा कारोबारी राकेश सुराना ने अपनी 11 करोड़ की संपत्ति गौशाला और धार्मिक संस्थाओं को दान कर दी। उन्होंने पत्नी लीना और 11 साल के बेटे अमय जीवन को त्याग कर संयम पथ पर चलने का फैसला किया है। वे परिवार सहित 22 मई को जयपुर में दीक्षा लेंगे। दीक्षा ग्रहण करने के पहले राकेश सुराना उम्र 40 वर्ष, उनकी पत्नी लीना सुराना उम्र 36 वर्ष और बेटे अमय सुराना उम्र 11 वर्ष को शहर के लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर विदाई दी। सुराना ने बताया कि उन्हें धर्म, आध्यात्म और आत्मस्वरूप को पहचानने की प्रेरणा गुरु महेंद्र सागर महाराज और मनीष सागर महाराज के प्रवचनों और उनके सानिध्य में रहते हुए मिली। वहीं उनकी पत्नी ने बचपन में ही संयम पथ पर जाने की इच्छा जाहिर कर दी थी। बेटे अमय महज 4 साल की उम्र में ही संयम के पथ पर जाने का मान चुके थे। हालांकि बेहद कम उम्र के कारण अमय को 7 साल तक इंतजार करना पड़ा। राकेश बालाघाट में सोने चांदी के कारोबार से जुड़े हैं। कभी छोटी सी दुकान से ज्वेलरी का कारोबार शुरू करने वाले राकेश ने अपने दिवंगत बड़े भाई की प्रेरणा और कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों से इस क्षेत्र में दौलत और शोहरत दोनों कमाई। आधुनिकता के इस दौर की सुखमय जीवन की तमाम सुविधाएं उनके घर परिवार में थी। उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, लेकिन सुराना परिवार अपनी सालों की जमा पूंजी दान कर आध्यात्म की तरफ रुख कर रहे हैं।